आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की जो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है, इसमें हम लोग आज 5 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 5 अगस्त के 5 टॉपिक्स आए थे और मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, जो नए हैं इस चैनल पे जुड़ने वाले, प्रीलिम स्पेसिफिक सेक्शन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं, उनके लिए मैं एक अलग से पूरी की पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जनवरी 2020 से, और जिस मंथ में भी वो आएगी वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम से एक महीना पहले अपलोड हो जाएगी। उसमें साथ में ही मैं विजन के भी जो मंथली कंपाइलेशन के अंदर लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ आती है उनको भी ऐड कर दूंगा। एंड इनसाइट की जो मंथली कंपाइलेशन आती है ना, उसमें और डेली न्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं होता है। डेली न्यूज़ को ही कंपाइल करके सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर देते हैं पेपर वाइज, और उसी को मंथली कंपाइलेशन बना के इनसाइट की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। तो उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहले मैं जो बनाया करता था वो यही वीडियोज़ हुआ करती थी, बस इनको सीक्वेंस चेंज कर देता है। उसका कोई पर्पज़ नहीं होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, और इट्स बेटर कि आप लोग इसी प्लेलिस्ट को मंथली कंपाइलेशन कंसिडर कर लो। आपका भी टाइम बचेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और मेरा टाइम बचेगा, मुझे सेम वीडियो को बस कॉपी पेस्ट करके दोबारा से ऐड करके अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार 4 अगस्त के जो टॉपिक्स थे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 4 अगस्त की न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। 7 टॉपिक्स आए थे हमारे पास, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए थे। तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किसी भी तरह के ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, अपने एंग्विश को दिखाना, ये कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होता है। कोर्ट को कंटेम्प्ट एक सुप्रीम कोर्ट की आप निंदा करते हो, आप डिग्निटी को हर्ट करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आपको भेजता है। उसके अगेंस्ट आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 2000 रुपये तक का आपको फ़ाइन लग सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैंगी। तो जो प्रशांत भूषण थे उन्होंने कुछ समय पहले कुछ ट्वीट किए थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े, उनके अगेंस्ट और कुछ कोर्ट्स के बारे में कहा था उन्होंने। तो बेसिकली उन्हीं के ऊपर कोर्ट ने कंटेम्प्ट का चार्ज लगा दिया था, नोटिस लगा दिया था। तो उसी के ऊपर एक विवाद चल रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और कोर्ट की पावर दिखी थी हमने, कौन से आर्टिकल में होती है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रिट, जो इनके रेस्पेक्ट में जो कंटेम्प्ट केसेस होते हैं उनके प्रोविजन क्या हैं। सोशल सिक्योरिटी 2019 का जो कोड है, इसको स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस देके पास किया है। आगे ये जो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटीज़ होती हैं, कुछ एडहॉक कमेटीज़ होती हैं, टेम्परेरी किसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, ये सब डिटेल में इस टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया था। और जो कुछ उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि जो ग्रेचुटी पीरियड है उसको 5 साल से कम करके एक साल कर दिया जाए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सेपरेट कैटेगरी बनाई जाए, एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाए, सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाए, ठीक है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाए जाए जहाँ पर जो पोर्टेबिलिटी ईजी हो किसी भी तरह के वेलफेयर फंड के अंडर। अगर हम बात करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की, तो ये लास्ट ईयर दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बेसिकली जो 9 लॉज थे ना रिलेटेड थे सोशल सिक्योरिटी से, उन सबको मर्ज करके एक सिंगल लॉ बना दिया गया है। देन वी रेड अबाउट ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी 2020 के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम लोग मेक इन इंडिया को और एक्सपेंड करेंगे, इंडिया के अंदर जो वेपन्स का, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का जो इम्पोर्ट होता है उसको रिड्यूस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे, और हमारा एक्सपोर्ट जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। हम लोगों ने कुछ टारगेट सेटअप किए हैं 2025 के लिए, एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हम लोगों ने देखे थे और हाईलाइट देखे थे, TAC क्या होता है, PUC, PMU क्या होता है। सेंटर को कुछ ऑर्डिनेंसेस को रिपील करने की ज़रूरत है, इसके रिगार्डिंग एक कैंपेन चलाया जाएगा 9 अगस्त को। ये कैंपेन चलाएगा ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है। क्यों किया है? उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं रिसेंटली, वो बिल्कुल ही एंटी फार्मर है, फार्मर्स की इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो ऑर्डिनेंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी पार्लियामेंट या फिर असेंबली सेशन में नहीं होता है तो उस टाइम पर अगर कोई लॉ या एक्ट पास किया जाता है उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैंगे, और फिर जब पार्लियामेंट और असेंबली सेशन में आता है तो उसको विद इन 6 वीक्स उन्हें अप्रूव करवाना होता है, अगर नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है। उन्होंने कुछ इश्यूज़ बताए थे कि 3 तरह के जो अमेंडमेंट्स किए गए थे ऑर्डिनेंसेस के, एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, और फार्मर का जो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, प्राइस अश्योरेंस फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, इसके तीनों के ऊपर उन्होंने कुछ इश्यूज़ बताए थे। हम लोगों ने सारे के सारे डिटेल में डिस्कस किए थे तीनों के तीनों। फिर हमने देखा था SpaceX का जो क्रू ड्रैगन है, ये प्रोग्राम है, ये NASA ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था जहाँ पर वो लोग प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं कि वो फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर उनका सपोर्ट करें। इसी के अंदर SpaceX कंपनी जो एलन मस्क उसके ऑनर हैं, उन्होंने दो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था जिनके नाम थे बॉब बैकन और डग हार्ले। इनको मई के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था और अभी रिसेंटली इन लोगों का
जो उसी एयरक्राफ्ट के थ्रू इनका स्प्लैश डाउन हुआ है, अर्थ के ऊपर ही वापस आए हैं। इनका एक जो रॉकेट था उसका नाम फैल्कन 9 था, पहले डेमो 1 के अंदर और डेमो 2 इसको नाम दिया गया था क्योंकि ये सिर्फ अभी टेस्ट पर्पज़ के लिए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ जाना था डिटेल के अंदर, मैंने आपको बताया था कितने कितने हैं ऑलरेडी पहले बन चुके हैं। लेपर्ड साइटिंग्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ का जो काउंट होता है, जैसे कि जो सेंसस होता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने एक डेडिकेटेड रिपोर्ट बनाई है लेपर्ड की साइटिंग्स कैसे हुई है। लेपर्ड्स के लिए कोई स्पेशली डेडिकेटेड कोई प्रोग्राम नहीं है सेंसस का, क्योंकि उनकी जो हैबिटेट है वो बहुत मिक्स हैं, कुछ ह्यूमन हैबिटेट में मिलेंगे, कुछ आपको एनिमल हैबिटेट के अंदर मिलेंगे, तो इसके लिए कोई डेडिकेटेड सेंसस नहीं है। लेकिन ऑलरेडी जो टाइगर वाले के लिए जो टाइगर का जो सेंसस है, जो कि क्वार्टर एनुअल यानी कि 4 साल में एक बार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था कि जो कैमरा ट्रैप्स लगाए थे ना, कैमरा लगाए थे उनको टाइगर्स को काउंट करने के लिए, उनकी कैमरा की नज़र में जो जो लेपर्ड्स आए थे उनकी रिपोर्ट बनाई थी। तो उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें ओवरलैप करती हैं, बहुत चीज़ें मिस भी हो जाती हैंगी। तो इस के लिए रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि रादर देन हम लोग एक इनको इनके ऊपर हम सेंसस क्रिएट करने से अच्छा है कि इनके लिए हम लोग प्रिवेंटिव पॉलिसीज बना दें, वो ज़्यादा बेटर होगी लेपर्ड्स के लिए। तो लेपर्ड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स देख रहे थे, साइंटिफिक नेम और वाइल्ड लाइफ एक्ट के कौन से स्केड्यूल में है, अपेंडिक्स साइट्स के बारे में भी देखा था हम लोगों ने, IUCN के रेड लिस्ट के बारे में भी पढ़ा था। कुछ लोगों ने गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव और दिल्ली NCR का जो रीजन है, यहाँ पर जो अरावली माउंटेन की रेंज है, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो लीफ वाइंस होते हैं, जो कि बेल होती है ना, फूल पत्तों की बेल होती हैं, उनसे इन अरावलीज़ को राखी बांधी है। एंड दे हैव टेकन अ ओथ, प्रतिज्ञा ली है कि वो इन अरावलीज़ की प्रोटेक्शन में सपोर्ट करेंगे। अरावली जो है ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये दिल्ली NCR के रीजन से हम बात करें और गुजरात तक स्ट्रेच करते हैं। कुछ ज्योग्राफर्स का कहना है कि ये आगे फर्दर हम अगर बात जाते हैं तो लक्षद्वीप के जो आर्किपेलागो है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहाँ तक भी स्ट्रेच होते हैं, उसकी एक ब्रांच वहाँ तक जाती हैगी। कुछ का ये कहना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की साइड भी इसकी एक ब्रांच जाती है। इसकी जो हाइएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। और बहुत सारे हम लोगों ने ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के बारे में बात की, जो कि एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर है जो कि गुजरात से दिल्ली तक है, बीच में राजस्थान आता है, हरियाणा आता है और शिवालिक रेंज से भी किसी तरीके से कनेक्टेड है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। स्टार्ट करते हैं 5 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स। पहला हमारा टॉपिक है नागर आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम मंदिर, सेकंड इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, थर्ड इज 3 कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फोर्थ इज यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी ब्रीफ ऑन द पैंडमिक इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, फिफ्थ इज ट्रंप साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगेंस्ट हायरिंग H-1B वीजा होल्डर्स फॉर फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडर GS पेपर 1 हमारा ये टॉपिक कवर होता है नागर आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम मंदिर। आप लोगों को पता होगा कि 1992 के अंदर जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद से ये केस बहुत टाइम से कोर्ट के अंदर पेंडिंग था कि उस ज़मीन के ऊपर दोबारा से एक मॉस्क बननी चाहिए या फिर वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। तो लास्ट ईयर ही इसकी फाइनल हियरिंग आई थी, फाइनल जजमेंट आई थी, जिसमें एक क्लियर हो गया था कि वो जो जगह थी वहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले थे कि वहाँ पर पहले कभी राम मंदिर हुआ करता था, बाबर ने जब मस्जिद बनाई थी उससे पहले। तो अब वहाँ पर फिर जो ट्रस्ट था उसको परमिशन मिल गई थी और उसी के अकॉर्डिंग एक एलोकेट कर दिया गया था 5 एकड़ का लैंड जहाँ पर एक मॉस्क बनेगा। तो अब उस आर्किटेक्चर के लिए 5 अगस्त को हमारे जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ अयोध्या में जाकर उसका भूमि पूजन किया है। पूरे वर्ल्ड ने उसको देखा था, काफ़ी जगह पर वर्ल्ड वाइड उसके लाइव डिस्प्ले किए गए थे और पूरे इंडिया ने बहुत खुशी से इस कुछ चीज़ को सेलिब्रेट किया है। उस जो टेम्पल बनेगा उसको बनने में कुछ 3 से 3.5 साल लग जाएंगे अभी उसका भूमि पूजन हुआ है। तो उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा उसके बारे में ये आर्टिकल है हमारा। GS पेपर 1 के अंदर कवर होता है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। जो ग्रैंड टेंपल होगा राम जन्मभूमि के ऊपर अयोध्या में, वहाँ पर हम लोग नागर स्टाइल को फॉलो करेंगे। नागर स्टाइल क्या होता है टेम्परेचर का? एक स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का, ये नदन इंडिया में बहुत पॉपुलर होता है। नागर स्टाइल के अंदर जो टेंपल होता है ना वो जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपरेज्ड प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एक उठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर हम करते हैं, जिसको हम जगती बोलते हैं। मंडप्स जो प्रेजेंट होते हैं वो गर्भगृह के आगे होते हैं। किसी भी मंदिर का गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पर जो मेन आइडल, जो मेन स्टैचू होती है, जो मेन DT होते हैं, उनको प्लेस किया जाता है। मैं आपको भी एक बार डायग्राम दिखा के समझा दूंगा। दीज आर एडॉर्न विद द शिखर। अब जो गर्भगृह होता है उसको सजावट मिलती है शिखर से, यानी कि गर्भगृह के ऊपर एक लंबा शिखर बनाया जाता है मंदिर का और ये टॉलेस्ट होता है पूरे के पूरे गर्भगृह के अंदर। ये जो शिखर होता है टॉलेस्ट पार्ट होता है।
नागर स्टाइल जो है ये यूजुअली एलेबरेट करता है अपनी बाउंड्री वॉल्स के साथ और गेटवेज के साथ, सॉरी डजंट यूजुअली हैव, नागर स्टाइल के टेम्परेचर के अंदर यूजुअली जो बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज होते हैं वो नहीं होते हैं। जनरली कोई वाटर टैंक नहीं होता टेम्पल के प्रमाइसिस के अंदर, और जो प्रदक्षिणा का जो पाथ होता है ना वो कवर किया जाता है। प्रदक्षिणा का मतलब आप समझते हैं ना, प्रदक्षिणा करना मतलब कि हर एक दिशा के अंदर उसके चारों तरफ उस एनर्जी को घूम घूम कर कंज्यूम करना। गर्भगृह है वहाँ पर लोकेट करते हैं डायरेक्टली, जो उसको अपने डीटी को वो डायरेक्टली टॉलेस्ट टावर के नीचे होता है। एक बार मैं आपको ये स्टाइल्स में ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ डायग्राम, आई थिंक जूम करना पड़ेगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और ये है द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। हम पहले नागर के बारे में देख लेते हैं। आगे वाला जो एरिया होता है ना प्लिंथ, ये वो अप्रेज प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, और ये होते हैं तीन मंडप, ठीक है। मंडप में जनरली जो विजिटर्स होते हैं दे कम एंड द सेट। ये पीछे का जो लंबा पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शिखर, ठीक है, और इसके बिल्कुल बीच में सेंटर के अंदर होती है गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर हम लोग अपनी मूर्ति को डीटी को प्लेस करते हैं। टेम्पल्स के अंदर ना एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठित कर देना। उसमें क्या होता है कि कोई एनलाइटेंड गुरु ही उसको चीज़ को कर सकता है, कोई बहुत ही पहुँचा योगी कर सकता है। वो उस टेम्पल की उस स्टैचू के अंदर प्राण डाल देते हैं, उसमें लाइफ भर दी जाती है उस स्टैचू के अंदर। इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्सिक्रेशन बोला जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग का जो आश्रम है बैंगलोर के अंदर है, और आप वहाँ पर जाएंगे तो श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग के एक सेक्शन में एक गुरुकुल है वहाँ पर एक टेम्पल है, वहाँ पर एक स्टैचू है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। क्योंकि जो श्री श्री रविशंकर जी हैं वो एक एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और भी अगर आप ईशा फाउंडेशन में जाते हैं तो वहाँ पर जो वो शिवलिंग है उसकी भी कॉन्सेक्रेशन किया हुआ है, वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। इंडिया में बहुत से टेम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल की। द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल के अंदर ये जो आगे वाला होता है पार्ट उसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है, और इसके अंदर जो शिखर होता है ये भी पीछे की तरफ ही होता है, इसके नीचे ही बिल्कुल गर्भगृह होता है, लेकिन यहाँ पर मंडप नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया नागर स्टाइल में तीन मंडप बना रखे हैं ऊपर से, यहाँ पर जो मंडप होते हैं वो एक बेसिकली एक बॉक्स के तरीके से बने होते हैं, उनके अंदर वो एक गुंबद सा नहीं बना हुआ होता। ऑलराइट, ये थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस होता है हमारे द्राविड़ स्टाइल में। द्राविड़ स्टाइल का जो होता है ये साउथ इंडिया में ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और जो नागर स्टाइल होता है ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जो बेसिक फॉर्म है हिंदू टेंपल की उसके अंदर कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि गर्भगृह हो गया, यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल सा कमरा होता है जो हमारे मेजर डीटी और डीटीज होते हैं उनको रखते हैं। मंडप एक पोर्टिको फिर होल होता है, एंट्रेंस होता है टेंपल का जनरली, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो गैदर होते हैं। शिखर होता है एक माउंटेन लाइक स्पायर होता है एक पीछे बिल्डिंग सी, इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, पिरामिडल हो सकता है, कर्वीलीनियर हो सकता है। फिर है वाहन, जो माउंट और व्हीकल होता है मेन ड्यूटी का, उसको जनरली प्लेस करते हैं इन लाइन ऑफ द साइट फ्रॉम गर्भगृह, ठीक है। सब डिविजन्स की ये जो नीचे मैप आपको दिख रहा है ये उस राम मंदिर का जो नक्शा है, मैप है, इस तरीके का कुछ राम मंदिर बनाया जाएगा। 3.5 साल लगेंगे इसको। नागर स्कूल को फर्दर सब डिवाइड किया गया था डिफरेंट स्कूल के अंदर उस रीजन के ऊपर भी, जैसे उड़ीसा के हिसाब से, खाजुराहो के हिसाब से, सोलंकी के हिसाब से एंड एट्सेट्रा। इस टेम्पल के इमेज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वो रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसको जगती बोलते हैं, ठीक है। ये तीन मंडप हैं, उसके बाद ये वो गर्भगृह है जहाँ पर जो मेन डीटी है जिसको हम लोग राम लल्ला बोल रहे हैं उनकी स्टैचू को वहाँ प्लेस किया जाएगा। ये शिखर है, ये कलश है, ये ध्वज लगाया जाता है, और ये प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ मतलब यहाँ पर इसके बीच में सेंटर में वो डीटी होते हैं और उसके आसपास आप प्रदक्षिणा कर सकते हो। प्रिलिम्स लिंक देख लेते हैं। वेयर इज़ गर्भगृह लोकेटेड इन नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, की डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, एग्जांपल ऑफ नागर स्टाइल, एग्जांपल ऑफ द्रविड़ स्टाइल, और व्हाट इज़ वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम बात करें पहले नागर टेंपल्स के एग्जांपल के बारे में, तो सन टेंपल आप लोगों को मालूम होगा कोणार्क के अंदर है, ठीक है, और उसके अलावा खाजुराहो जो हो गया हमारा, ठीक है, ओसियान टेंपल हो गया है गुजरात के अंदर, ये हमारे नागर टेंपल जो पॉपुलर नागर टेंपल्स हैं। द्रविड़ियन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने ही होंगे, जगन्नाथपुरी सुना होगा, ठीक है, श्री पद्मनाभा सुना होगा, बृहदेश्वर टेंपल सुना होगा आप लोगों ने, और मीनाक्षी टेंपल सुना होगा, श्री रंगनाथ टेंपल सुना होगा, बहुत सारे टेंपल हैं ऐसे जो कि द्रविड़ियन स्टाइल के होंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों से बात की जा रही थी कि वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, जैसे बदामी टेंपल हो गया,
ठीक है, दुर्गा टेम्पल हो गया ऐहोल का, और विरूपक्ष टेम्पल हो गया पट्टडकल का, केशव टेम्पल सोमनाथपुर का हो गया, वो सारे के सारे हमारे विसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में काउंट होते हैंगे। अभी जैसे हमारा एक साइड था नागर, एक साइड था द्रविड़ियन, एक साइड हो गया विसार। जैसे हम लोगों ने जब वाटर टैंक के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वाटर टैंक जो है नागर में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द्राविड़ के अंदर जो वाटर टैंक होगा वो प्रेजेंट होता है फ्रंट में टेंपल के। सेम चीज़ विसार में हो सकती है, प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करें नागर की, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपाउंड वॉल्स भी जो होती हैं एब्सेंट होती हैं की, लेकिन द्राविड़ियन जो होता है वो कंपाउंड वॉल्स के अंदर इनक्लोज्ड होता है। और अगर हम बात करें कि विसार के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड वॉल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऑल राइट, स्क्वेयर्ड हॉल तो तीनों में ही मिलेगा, सैंक्टम गर्भगृह जो होता है वो भी तीनों में मिलेगा, गोपुरम से होते हैं वो नागर में एब्सेंट होते हैं गोपुरम, ठीक है, द्रविड़िया में प्रेजेंट हो सकते हैं और विसार के अंदर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते प्रेजेंट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, पर हाँ आपसे ज़रूर करके जाएगा डिटेल के अंदर, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने ये टेम्पल वाला जो टॉपिक था डिस्कस किया था, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था जब मैंने चैनल जस्ट स्टार्ट किया था, और अभी दोबारा आया है, और मे बी आप लोगों के 2021 के एग्ज़ाम से पहले भी एक बार आ जाए। 2020 वालों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि के ऊपर बात की जा रही है आर्किटेक्चर पे, तो उनको तो करना ही करना है। 21 वालों के लिए चांसेस है कि टॉपिक कई बार रिपीट हो जाएगा, तो वो नहीं भी करेंगे प्रिपरेशन, तो उनका रिविजन वैसे ही वो करेंगे, तो कई बार आ जाएगा करंट अफेयर्स में, तो उनका कवर हो ही जाना है। हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2 का टॉपिक है हमारे पास, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, एंड दिस इज़ कवर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री की, उनको एक फंडिंग मिली है 455.02 करोड़ रुपए की, किस लिए, नई एकेडमिक बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, हॉस्टल के लिए, रिसर्च सेंटर्स बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। फंडिंग किसके अंदर आई है, बेसिकली HEFA किसके अंडर है, HEFA आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम चेंज करके हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, उसके अंडर ये एजेंसी आती है। एजेंसी इनकॉर्पोरेट की गई थी 2017 के अंदर 31 मई को, एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का और कैनरा बैंक का, ठीक है, इन्होंने एग्री किया था, इसमें जो इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा उसमें 90.91% जो है वो HRD देगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और 9.09% जो है वो कैनरा बैंक देगा। इसको हम लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर, और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विद RBI, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है। इसका विजन क्या है, इंडिया के जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग्स को फाइनेंस करना, ठीक है ना, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाना, रिसर्च और डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करवाना, ये इसका विजन है। फंक्शनिंग क्या करती है एजेंसी, ये रिसोर्सेज मोबालाइज करने में हेल्प करती है मार्केट से, ठीक है ना, इंडिविजुअल से, कॉरपोरेट से, वहाँ से इशूज मतलब बॉन्ड्स वगैरह इशू करवाने में, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, ताकि जो वर्ल्ड क्लास का हम लोग एक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इंडिया को हम लोग प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल कंट्री के तौर पर ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकें। प्लस में ये एजेंसी का काम है कि एनकरेज करती है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हों, ताकि, और सपोर्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए। प्लस में जो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं कंपनीज से और डोनेशन से बहुत सारी स्कीम के तौर पर, उनको चैनलाइज करना ताकि हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट कर सके, ये इसका फंक्शन होता है। HEFA काम कैसे करती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फंडिंग जो होती है HEFA की वो रिप्लेस करेंगे, उसको रिप्लेस किया जाएगा करंट जो ग्रांट असिस्टेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो देखो पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट असिस्टेंस देती थी किसी भी काम के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उसको रिप्लेस करके HEFA आ गया 2017 के अंदर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप किए गए हैं और फंड किए हैं, रेफर्ड किए गए हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, वो एलिजिबल होते हैं कि उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो HEFA के साइड से आए। HEFA वुड बी एबल टू फंड लार्जर बास्केट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ जितनी जिन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट अप्रोच दी जाती थी ना, उससे ज़्यादा बड़ी रेंज जो है वो HEFA की है, ठीक है, टॉप क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा सकते हैं बहुत ही क्विक टाइम के अंदर, ताकि कंट्री को अपना पोटेंशियल रियलाइज़ हो, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और एक बहुत ही फास्टर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको रियलाइज़ करके उसके ऊपर काम कर सकें। राइज 2022 क्या है,
रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन 2022 तक। ये एक मेजर इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बजट। राइज स्कीम जब अनाउंस हुई थी तो इसका एम था कि ये लो कॉस्ट के फंड्स लेंड करे गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसके अंदर जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, IITs आ गए, NITs वगैरह आ गए, ये सब के सब 1,00,000 करोड़ तक बोरो कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ताकि वो अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकें। प्लस में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो दैट इट विल बी फाइनेंस्ड वाया द रीस्ट्रक्चर्ड HEFA, ठीक है, HEFA के वाया ही ये फाइनेंस किया जाएगा जो राइज है हमारा। ठीक है, हो गए टॉपिक, इसमें कुछ है नया हमारे पास जानने को तो देख लेते हैं। HEFA एस्टेब्लिश स्टेक होल्डर फंक्शन राइज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। CSR को लेकर मेंस का एक क्वेश्चन 2030 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बहुत चांसेस है कि फ्यूचर में इसमें प्रीलिम्स को लेकर और मेंस को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। CSR में होता क्या है, देखो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर भी किया जाता है। देखो जब कंपनीज वगैरह कहीं पर इस्टेब्लिश होती हैं तो वो लोगों को प्रोडक्ट देती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड भी करती हैं, कंज्यूम भी करती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी करती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हर एक गवर्नमेंट का ये कहती है कि हर कंपनी की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी से बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी आप कुछ कीजिए, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल खोल देंगे, ठीक है, या फिर कुछ डोनेशन कर देंगे, स्कूल्स बनवा दिए, पेड़ पौधे लगवा दिए, कोई रिवर वगैरह की क्लीनिंग करवा दिएगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ 2013 से कंपलसरी कर दी गई थी, बाकी बहुत सी कंट्रीज ऐसी वहाँ पर उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी ऐसा करे, जैसे US, रशिया, जापान हो गया, लेकिन वहाँ पर कंपलसरी नहीं है CSR एक्टिविटीज़ को फॉलो करना। इंडिया में 2013 में इसको कंपलसरी कर दिया गया था। नाउ वी हैव 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। न्यूज़ में क्यों है, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन के ऊपर स्टे लगा दिया है, जिसको YSR की कांग्रेस गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था कि वो अगस्त 14 तक 3 कैपिटल बनाना चाहते हैं स्टेट के अंदर। इशू क्या है, बहुत सारे पिटिशन्स फाइल किए गए थे इस 3 कैपिटल के आइडिया को अपोज करने के लिए, और डिमांड की गई थी कि इस एक्ट के ऊपर, ये जो 2 नए एक्ट लाए जा रहे हैं, इनके ऊपर स्टे लगा दी जाए। इसके रिस्पॉन्स में कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस तरह के गैजेट नोटिफिकेशन के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट को एक काउंटर फाइल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। 3 कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आंध्र प्रदेश की असेंबली ने जनवरी 2020 में पास किया था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 का। 31 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि जो आंध्र प्रदेश का डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स 2020 और आंध्र प्रदेश का कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020, इस लॉ के पास होने के बाद वो तीन कैपिटल्स बनाएंगे अपने स्टेट के अंदर। अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव होगी, और कुरनूल होगी वो जुडिशियल कैपिटल होगी। एक बार मैप पे मैं आपको इन दोनों की तीनों की लोकेशंस दिखा देता हूँ, तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे आंध्र प्रदेश का मैप है। तो आंध्र प्रदेश के अगर हम जस्ट ऊपर यहाँ पर नीचे की साइड, मतलब साउथ, नॉर्थ, वेस्ट कुछ ऐसा अगर बनाऊँ तो मैं इसको, तो यहाँ पर कुरनूल होता है, इधर अमरावती है हमारा, और यहाँ विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम नाम सुनते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये हमारा कोस्टल एरिया है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा बॉब है, बॉब का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, तो मैं इसे शॉर्टकट में बॉब ही लिखता हूँ जब भी कभी कहीं लिखना होता है। तो आप लोग भी इस तरह की शॉर्टकट प्रैक्टिस किया करो, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया है, देखो किसको क्या बनाना चाहते हैं वो लोग। ऊपर फिर से देख रहे थे, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो सेंटर में वो डालना चाहते हैं अपनी लेजिस्लेटिव कैपिटल को, ठीक है। विशाखापट्टनम के अंदर वो लोग एग्जीक्यूटिव डालना चाहते हैं, ऑल राइट, और कुरनूल जो बच गया यहाँ पर अपना वो जुडिशियल डालना चाहते हैं। तीन लोकेशन पे, तीन डिफरेंट, रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। अब नीड क्या है 3 कैपिटल्स की, गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक मेगा कैपिटल बनाने की जगह जब बना देते हैं ना, तो बाकी बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। 3 कैपिटल बनाने से हम लोग इक्वल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट के अंदर। इसके बाद उन्होंने बहुत जो मेजर रीज़न दिया वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर को एक जगह पर इकट्ठा ना कर देना, पावर को बांट देना, एक इंसान के पास सारी पावर ना हो, एक लोकेशन पे सारी पावर ना हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर, एग्जीक्यूटर्स के अंदर,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल थीम है हमारे रिकमेंडेशंस की, जो उन्होंने कुछ कमिटीज़ बनाई थी जो सजेस्ट करेंगे कि क्या सूटेबल लोकेशन हो सकती है आंध्र प्रदेश की कैपिटल के लिए। तो वो कमेटी के अंदर थे जस्टिस बी एन श्री कृष्ण कमेटी, के शिवरामा कृष्ण कमेटी और जी एन राव कमेटी। तो इस तरीके के आइडिया को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट कैसे होगा? देखो, कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक्स का जो फियर है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। कोऑर्डिनेट करना सीट्स ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर एक सेपरेट सीट सिटीज़ के अंदर, ये विल बी ईजियर सेट देन डन। मतलब क्या, देखो ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, आपने आंसर में ऐसी वर्ड्स को आप फ्रेज को आपको यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब है कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट है वो ऑफर, गवर्नमेंट ऑफरिंग नो स्पेसिफिक्स ऑफ ए प्लान, गवर्नमेंट ने इस तरह के प्लान के स्पेसिफिक्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। ऑफिसर्स और जो कॉमन पीपल है ना, उनको लॉजिस्टिक्स का नाइटमेयर है, एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिक्स लेके जाना, फाइल लेके जाना, पर्टिकुलर चीज़ें लेफ्ट राइट, डिस्टेंस वाला इशू बहुत आएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं डिस्टेंस का। टाइम और जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जो विशाखापट्टनम है, ये 700 किलोमीटर दूर है कुरनूल से, ऑलराइट। ये 700 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इनके बीच में, ठीक है। और 400 किलोमीटर है लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती से, ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फिर ये फर्दर आगे मिला के टोटल यहाँ से यहाँ तक का 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अमरावती और कुरनूल की अगर हम बात करते हैं तो 370 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। अब ये जो टाइम और ट्रैवल का डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सा है। कुछ और इंडियन स्टेट्स जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कैपिटल्स हैं, जैसे महाराष्ट्र की दो कैपिटल्स हैं, मुंबई और नागपुर। तो नागपुर में वो लोग अपने विंटर सेशंस अटेंड करते हैं असेंबली के। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दो कैपिटल हैं, शिमला और धर्मशाला, विंटर के लिए, समर के लिए। कौन, पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था वहाँ पर श्रीनगर और जम्मू दो अलग अलग कैपिटल्स थे। वट इज़ PIL? विच इंडियन स्टेट्स हैव मल्टीपल कैपिटल्स? आंध्र प्रदेश की प्रपोज कैपिटल्स, वेरियस रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL होता है, ये इंडिया में स्टार्ट किया गया था कुछ 1976 के टाइम पर, जस्टिस कृष्णन अय्यर के टाइम पर, अय्यर, ठीक है ना। मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई की एक चीज़ थी। जो पहली बार रिपोर्टेड केसेस थे ना PIL के, वो थे हुसन हैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 के। यहाँ पर इन्होंने जो इनका फोकस था, जो इनह्यूमन कंडीशंस थी प्रिजन्स के अंदर, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे ना, उसके कारण 40,000 के आसपास अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया था। यहीं से जो बेसिक फंडामेंटल राइट होता है हमारा, एक राइट टू स्पीडी जस्टिस, वो इमर्ज होके आया था, जो कि प्रिजनर्स को पहले डिनाई किया जा रहा था। जो एक्सप्रेशन है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो ये हमारा PIL का जो एक्सप्रेशन है, ये हम लोगों ने अमेरिकन जुरिसप्रूडेंस से बोरो किया है। PIL का मतलब होता है कि एक लिटिगेशन फाइल करते हो आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे पॉल्यूशन पे कुछ काम हो, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हजार्ड्स, किसी भी मैटर के अंदर जहाँ पब्लिक का एट लार्ज इंटरेस्ट जो हो रहा था वो अफेक्ट किया जा रहा है, उसको आप एक PIL फाइल करके, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप PIL फाइल करके उसे रिड्रेस कर सकते हो। अब जो PIL होते हैं ना, ये किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं जजेस, जो भी इंटेंट होती है पब्लिक के एट लार्ज के ऊपर। कुछ मैटर्स जहाँ पर जो एंटरटेन किए जाते हैं PIL के अंदर, जैसे कि कोई भी बॉन्डेड लेबर का कोई मैटर हो गया, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हो गए, ठीक है ना, और एट्रोसिटीज़ होती हैं विमेन के ऊपर, वो हो गई, फूड के अंदर अडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, ठीक है, हेरिटेज और कल्चर का जो मेंटेनेंस होता है उसके रिगार्डिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जांपल जहाँ पर PIL बहुत फाइल किया जाता है। अगर मैं रिट के बारे में बात करता हूँ, तो ये एक तरीके के रिटन ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है इसके अंदर, वो होती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 को यूज़ कर सकता है। हमारे यहाँ पर 5 तरह की जो रिट्स होती हैं वो फाइल की जाती हैं, कि इनको याद करने का शॉर्टकट मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसका आप ऐसे याद कर सकते हो, CPM हेडक्वार्टर्स, ठीक है। CPM मान लो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वाली और उसके हेडक्वार्टर्स, या फिर PCM हेडक्वार्टर भी लिख सकते हो। PCM का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पैरासीटामोल हेडक्वार्टर, तो जो भी आपको अच्छा लगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो PCM आपने किया हेडक्वार्टर, तो P का मतलब प्रोहिबिशन, C का मतलब सर्टियोररी, M का मतलब मैंडमस, H इज़ हीबस कॉर्पस, Q इज़ क्यू वारंटो।
फिर एक बार इनके बारे में जान लो थोड़ा थोड़ा। जैसे कि हिबस कॉर्पस क्या होता है, हिबस कॉर्पस का मतलब होता है लैटिन के अंदर इसका जो मीनिंग होता है, होता है टू हैव द बॉडी। यानी कि अगर आपने किसी को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, और उसको जो 24 आवर्स के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो कोर्ट आपको रिट फाइल कर सकता है आपके पास हिबस कॉर्पस की, टू हैव द बॉडी, प्रेजेंट करो उस इंसान को, ठीक है। और अगर वो देखता है कि भाई इसको इलीगली अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था, तो उसको फ्री कर देते हैं। प्लस में जिसने इसको अरेस्ट वगैरह किया होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती हैगी। लेकिन बेसिकली एक जो इंसान था जिसको डिटेन कर दिया गया था उसको फ्री करवा दिया जाता है। देन कम्स मैंडमस। मैंडमस का मतलब था वीक कमांड। इसमें जो रिट है वो यूज़ की जाती है कोर्ट के द्वारा किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर देने के लिए जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब फॉरबिड करना। एक कोर्ट जो हायर पोजीशन में होता है वो प्रोहिबिशन रिट फाइल करता है किसी भी कोर्ट के अंदर जो लोअर पोजीशन में होता है, ताकि जो लेटर था वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे, ठीक है। फिर एक होता है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। यहाँ पर जो रिट होती है वो इशू की जाती है एक कोर्ट के द्वारा जो हायर अथॉरिटी में होता है, लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर करता है कि वो अपना जो केस पेंडिंग केस है या तो उसको ट्रांसफ़र कर दे, या फिर उसको जो अगेंस्ट जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को स्क्वैश कर दे। क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इस रिट को इशू करते हैं। किसी भी तरह का इलीगल असर्पेशन होता है ना एक पब्लिक ऑफिस का, कोई इंसान पब्लिक ऑफिस को इलीगली वे में अगर हैंडल होल्ड कर रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट क्यू वारंटो रिट पास की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अगर हम कंपेरिजन करते हैं, तो एक्चुअल में हाई कोर्ट की जो पावर होती है ना रिट की, वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसी ब्रीफ आया है पेंडेमिक का इम्पैक्ट क्या हुआ एजुकेशन के ऊपर, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया था अपना पॉलिसी ब्रीफ पेंडेमिक का इम्पैक्ट क्या होगा एजुकेशन के ऊपर। उसकी की फाइंडिंग्स में है कि मोर देन 1.6 बिलियन लर्नर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुए हैं, जो कि स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम के जो डिसरप्शन आया है उसके कारण, और डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज़ हुई है। डिस्पैरिटी वर्ड का मतलब होता है अनइक्वालिटी, पैरिटी वर्ड का मतलब होता है इक्वालिटी, डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वालिटी। जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज़ थी ना वो एग्जैजरबेट कर गई हैं, यानी कि उनकी हालत और ज़्यादा। एग्जैजरबेट का मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोई भी चीज़ अपने से ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसको एग्जैजरबेट करते हैं, उसको बोलते हैं एग्जैजरबेट होना। स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट्स थे ऑलमोस्ट 24 मिलियन चिल्ड्रन हैं, वो एक रिस्क के ऊपर हैं कि वो दोबारा से नेक्स्ट ईयर स्कूल में अटेंड नहीं करेंगे COVID-19 के फियर को देखते हुए। गर्ल्स और जो यंग वुमेन हैं वो डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट हुई हैं ज़्यादा मेन और बॉयज़ से। लर्निंग का बहुत सारा लॉस हुआ है। ओवरऑल इम्पैक्ट देख लेते हैं। कुछ सिमुलेशंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं जो कि पीसा प्रोग्राम के अंदर, वहाँ पर सजेस्ट किया गया था कि जो इम्पैक्ट है लर्निंग के ऊपर विदाउट रेमेडिएशन जो लॉस होगा लर्निंग का वो 1/3 होगा, ठीक है ना, जो कि इक्विवेलेंट है एक 3 months के स्कूल क्लोजर का। ड्यूरिंग ग्रेड 3 माइट रिजल्ट इन 72% ऑफ स्टूडेंट्स फॉलिंग सो फार बिहाइंड द जो ग्रेड 10 है, दे विल हैव ड्रॉप आउट और विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग इन स्कूल। इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो ये $16,000 तक जाएगा, US डॉलर तक लॉस्ट होंगी अर्निंग्स एक स्टूडेंट्स के लाइफ टाइम की, और ट्रांसलेटिंग ओवर द टाइम ये $10 trillion होगा जो ग्लोबली लॉस होगा हमको। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल गैप की अगर बात करें तो अर्ली 2020 के अंदर लोअर मिडिल इनकम्स जो थी वहाँ पर $148 बिलियन का जो गैप था एजुकेशन के बजट्स में, और जो भी मनी अवेलेबल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रीच करने में क्वालिटी एजुकेशन का। COVID-19 के क्राइसिस ने इस फाइनेंशियल गैप को 1/3 तक और इंक्रीज कर दिया है। तो क्या किया जाना चाहिए, एजुकेशन के जो बजट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल है कि जो एजुकेशन है वो एक इंटरनेशनल सॉलिडरी एफर्ट्स के हार्ट के ऊपर लाई करता है, फ्रॉम डेट मैनेजमेंट एंड स्टिमुलस पैकेजेस टू ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अपील्स एंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी से टॉपिक था। ट्रंप जी ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि H-1B वीज़ा को होल्डर्स को हम लोग फेडरल के कॉन्ट्रैक्ट्स में हायर नहीं करेंगे। ये टॉपिक कवर होता है हमारा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। कंटेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जहां पर फेडरल एजेंसीज, फेडरल का मतलब होता है वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट करना फॉरेन वर्कर्स के लिए, मेनली वो लोग जो H-1B वीज़ा के ऊपर हायर की जाएंगे। चेंज क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर जो है ये फेडरल एजेंसीज़ को बार कर देता है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देता है वो किसी भी H-1B वीज़ा होल्डर को हायर ना करें या फिर किसी दूसरे फॉरेन वर्कर को, और उसकी जगह पर वो US के सिटीजन्स को या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को हायर करें।
H1B वीज़ा क्या होता है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जो अलाउ करता है US कंपनीज़ को कि वो फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के अंदर, जहाँ पर थियोरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। H1B वीज़ा इतना पॉपुलर क्यों है? टू कीप द कॉस्ट्स इन चेक। जो फेडरल एजेंसीज़ हैं US के अंदर और जो वेरियस अदर कंट्रीज़ हैं, या तो वो हायर करती हैं लार्ज नंबर के अंदर फॉरेन वर्कर्स को, या फिर आउटसोर्स करती हैं अपने बैकअप डेटाबेस के अपडेशन के रिगार्डिंग और बाकी जॉब्स के रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेसेस को आउटसोर्स फर्म्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड से। तो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ये बहुत मिनिमल वेजेस पे होती हैं और ये बहुत लुक्रेटिव यानी कि अट्रैक्टिव नहीं होती कि एम्प्लॉयबल इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज़ के अंदर अटेंड करें। इस तरीके का जो मूव लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसमें सभी फेडरल एजेंसीज़ को कंप्लीट करना होगा अपना इंटरनल ऑडिट और एसेस करना होगा कि क्या वो कंप्लाई कर रहे हैं जो भी रिक्वायरमेंट है US के सिटीजन्स के रिगार्डिंग और जो नेशनल जो कि अपॉइंट किए गए हैं इस कॉम्पिटिटिव सर्विस में। एज अ रिजल्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, ये फाइनलाइज करेगा किस कुछ गाइडलाइंस जहाँ पर ये लोग H1B एम्प्लॉयर्स को प्रिवेंट करेंगे कि वो H1B वर्कर्स को या फिर जो दूसरे एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जॉब साइट्स के ऊपर और वहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे उनको अमेरिकन वर्कर्स से। इस तरह के चेंज को लाने का इमीडिएट रीज़न क्या हो सकता है? जो लेटेस्ट ऑर्डर है, ये एक फेडरली ऑन्ड टेनेसीज वैली अथॉरिटी की अनाउंसमेंट है कि आउटसोर्स करेंगे 20% अपने टेक्नोलॉजी जॉब्स टू कंपनीज़ जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है। वहाँ की जो एक TVA ने अनाउंसमेंट की थी, भैया 20% हम लोग टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करेंगे, तो ये एक इमीडिएट कॉज बन गया था इस तरह का चेंज करने का। TVA का जो एक्शन है, इसके कारण 200 हाईली स्किल्ड अमेरिकन टेक वर्कर्स जो हैं टेनेसीज में, उनकी जॉब चली जाएगी जो लो वेज के हैं, और फॉरेन वर्कर्स को वो लोग हायर करेंगे टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा के ऊपर। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है? उन्होंने कहा कि आउटसोर्स करना हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को, स्पेशली इस तरह के पैंडमिक के दौरान, ये जहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पर अमेरिका ने अपने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ जॉब्स का लॉस हुआ है, ये बिल्कुल भी कंट्री के फेवर में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क है। उन्होंने कहा कि जो करंट जो क्लाइमेट चल रहा है एक रैम्पेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का, जहाँ पर उस ऐसे टाइम के ऊपर IT जॉब्स को आउटसोर्स करना, तो बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो एक नेचुरल रिस्क के ऊपर, नेचुरल सिक्योरिटी के रिस्क पर आ सकती है। प्लस में ये हेल्प करता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स का मिसयूज़ हो रहा है H1B वीज़ास का, उससे कॉम्बैट करने में, विच विल नेवर इंटेंडेड टू रिप्लेस द क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर्स विद लो कॉस्ट फॉरन लेबर। कंसर्न क्या है इंडिया के लिए और इंडियंस क्यों वरीड है? जो लेटेस्ट मूव है, ये एक महीने के बाद आया, इससे पहले 23 जून के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा को सस्पेंड कर दिया था और कुछ अदर टाइप के फॉरेन वर्कर के वीज़ा को 2020 के एंड तक, ताकि अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके। और ये उनके लिए बहुत ही क्रूशल इलेक्शन है, क्योंकि 3 नवंबर को US के अंदर प्रेजिडेंटल इलेक्शन होंगे। जो लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये इम्पैक्ट करता है इंडियन कंपनीज़ के वर्कर्स को जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी हैं वहाँ की फेडरल एजेंसीज़ के साथ। जो बिगर फेडरल एजेंसीज़ हैं, जैसे कि स्टेट रन बैंक्स हैं, वो दे गिव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई एंड मेंटेनेंस, अपने डेटाबेस का जो भी सप्लाई मेंटेनेंस होता है बाकी अदर सर्विसेज़ को, जो कि जैसे इंडिया के TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया इनको। और ये US को कैसे अफेक्ट करता है? जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये मिस परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। इस तरह का जो मेजर उन्होंने लिया है, ये जो US की जो कंट्री का अनलॉकिंग स्टार्ट हो गया ना, रिकवरी फेज, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा। जो ऑर्डर है, ये पर्टिकुलरली उस टाइम पर आ रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज शॉर्टेज है स्टेम स्किल्स की US के अंदर, जहाँ पर वर्कर जो हैं वो शॉर्ट टर्म के नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज जैसे कि H1B L1B वो हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ को ब्रिज करने में। इंस्टा के फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया के, कुछ 65,000 नए वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव हुए हैं हर बार, और एवरेज 1800 से 2000 के पास रफली 3% चुकी। और H1B वीज़ा जो है, ये ग्रांट करते हैं वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट फेडरल एजेंसीज के द्वारा। एज मैनी एज 70% जो H1B वीज़ाज हैं, ये जाते हैं इंडियन पीपल को। बट नेक्स्ट, मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि वो फेवर करते हैं एक मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर वो ये कहना चाहे कि हाई स्किल्ड पीपल को लाकर इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट करो, सॉरी US के अंदर जॉब क्रिएट करवाओ। ऐसा मत करो कि US में जो ऑलरेडी जॉब्स अवेलेबल हैं वो किसी दूसरी कंट्री के वर्कर को आप दे दो, ये वो चाहते हैं। डिफरेंस बिटवीन H1B, F1, M1, डिफरेंस बिटवीन NRI, OCI, डिफरेंट बिटवीन OCI, PRO, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड एक्ट, मैं ये सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूँ, तो इस बार मैं सच में नहीं चाह रहा कि इन सबको डिस्कस करना, कई बार कर चुका हूँ। इवन जी जब ये टॉपिक लास्ट टाइम आया था ना, 23rd 24th जून के आसपास आया था, मतलब 23rd को न्यूज़ आई थी, 24th जून के आसपास, मैं ये सारी चीज़ें बहुत लंबे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस टाइम आई एम नॉट विलिंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा ये।